और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा के निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अब नया आदेश जारी किया गया है। सर्कुलर एक जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए वो सभी सांसद संसद भवन के साथ ही लॉबी और गैलरी तक में नहीं आ सकते हैं। लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा से अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और ये सभी सांसद अब नए सर्कुलर के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो चैम्बर हो, लॉबी हो, गैलरी हो, कहीं पर भी इन्हें एंट्री नहीं मिल पाएगी। और ये पूरा सर्कुलर कल की जो घटना हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अब जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया जिसकी कॉपी आप न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त देख पा रहे हैं। लोकसभा से अब तक 141 सांसद जो लोकसभा राज्यसभा मिला करके जो अभी तक निलंबित है उन सभी के लिए यह सर्कुलर अब जारी किया गया और इसके मुताबिक अब जो सांसद है, निलंबित सांसद है, वो चाहे लॉबी हो, गैलरी हो, कहीं पर भी प्रवेश नहीं कर सकते। और आगे ये नहीं बोल सकते कि हम तो मॉक संसद लगा रहे थे और हमारी ऐसी कोई जाहिर हम करने की मंशा नहीं थी। हमारी ये तमाम बातें जो कल का पूरा घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है उसके बाद अब ये सर्कुलर जारी किया गया। ये सांसद सदन के अंदर क्या अब बाहर भी गैलरी में, लॉबी में, किसी भी जगह प्रवेश नहीं पा सकेंगे। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की और वो जो सर्कुलर की कॉपी है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, निलंबित सांसदों के ऊपर ये अगली कठोर कार्रवाई है। एक तरफ तो कठोर कार्रवाई ये पहले ही हो चुकी है कि चूंकि आप सदन चलने देना चाहते नहीं है इसलिए आपको निलंबित कर दिया गया और अब उन निलंबित सांसदों के ऊपर ये एक और कठोर कार्रवाई। और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के यतेंद्र शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। यतेंद्र, क्या पूरी जानकारी है सर्कुलर की कॉपी तो हम दिखाई रहे हैं दर्शकों को, क्या लिखा है इसके अंदर? यतेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि सर्कुलर में क्या कुछ लिखा गया है, क्या दिशा निर्देश है अब निलंबित सांसदों के लिए? ठीक है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यतेंद्र से, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और ये एक तरह से सचेत हो जाने की जरूरत पूरे विपक्ष को है जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया है। एक तरफ तो पहले ही कठोर कार्रवाई और उस कठोर कार्रवाई के बाद एक और कार्रवाई। यतेंद्र, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज भी आसार हैं संसद में हंगामे के, विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं कल से। और हालांकि बड़ी संख्या में कल भी 49 सांसदों को निलंबित किया गया, यानी कि अभी तक राज्यसभा लोकसभा मिलाए तो 141 विपक्ष के सांसद निलंबित हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर कल शाम को आई कि विपक्ष के सांसदों ने खुद अनुरोध किया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से और जो संसदीय कार्य मंत्री है उनसे कि उनका भी नाम लिस्ट में डाला जाए। पहले 25 नाम दिए गए, फिर 7 नाम और दिए गए, फिर 8 नाम दिए गए, यानी कि टोटल जब 40 नाम हो गए तो उसके बाद एक लिस्ट और दी गई 9 सांसदों के नाम की कि इनको भी निलंबित कर दिया जाए। यानी कि विपक्ष की रणनीति अपनी रणनीति के तहत अपने सांसदों को खुद वो निलंबित करवा रहे हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया तो ऐसे में मैसेज यही है कि विपक्ष सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, टकराव की स्थिति है। और ये पहली बार शायद ऐसा होगा कि विपक्ष के नेता खुद अपने सांसदों का नाम स्पीकर के यहाँ भिजवाते हैं कि उनको भी निलंबित किया जाए। और शायद यही कारण है कि 141 यानी कि बहुत बड़ी संख्या। पहले सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जानबूझकर उनकी तरफ से जो भी रवैया अपनाया जा रहा है वो इसीलिए ताकि उनका निलंबन हो जाए। और अब कैसे सरकार के ऊपर मनमानी का आरोप लगाया जाए इसी की पूरी स्ट्रैटेजी है जैसा अभी यतेंद्र ने भी आपको बताया। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के सांसदों का हंगामा और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हंगामे की वजह से आज एक बार फिर से संसद में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसके पहले कल लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस तरह से संसद के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। निलंबित हुए सांसदों की संख्या अब 141 हो गई और इतना ही नहीं, निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से अब वंचित कर दिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि संसद में हंगामे के दौरान विपक्ष के आग्रह पर सांसदों का निलंबन हुआ है। अभी यतेंद्र भी आपको यही बात बता रहे थे, संसद में सांसदों के हंगामे के बाद निलंबन की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई थी और तब 14 सांसदों का निलंबन किया गया था, एक राज्यसभा, 13 लोकसभा। और उसके बाद 18 दिसंबर को 78 सांसद सस्पेंड किए गए। कल
लोकसभा से 49 सांसदों को और निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चार अलग अलग दिन, लेकिन अब तो खबर ये सामने आ रही है कि विपक्ष खुद चाहता है कि उसके सांसदों का निलंबन हो जाए। बाकायदा चिट्ठी लिखकर के आग्रह उनकी तरफ से किया गया है। यतेंद्र का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, अभी तक का तो जो पूरा ताना बना रहा है सदन का वो हमने दिखाया है, अब अगर आज की तस्वीर हम पहले ही आपसे जानना चाहें, हंगामा फिर से होने के आसान है? देखिए, हंगामा होगा, लेकिन सदन के अंदर कितना होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सदन के बाहर जरूर विपक्षी सांसद हंगामा करेंगे, क्योंकि जो निलंबित सांसद हैं उनको लोकसभा सचिवालय के द्वारा निर्देश साफ तौर पर जारी कर दिए गए हैं कि वो ना गैलरी में जा सकते हैं ना चैम्बर में जा सकते हैं, यानी कि जो अंदर का कैंपस है उसमें उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। लेकिन जो बाहर का कैंपस है, जैसे कल जो तस्वीरें देखने को मिली कि मकर द्वार पर जिस तरह से सांसद, जो निलंबित सांसद हैं, वो इकट्ठे हो गए, उनकी पार्टियों के नेता भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हद तो यह भी हो गई कि उन्होंने जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी नकल तक उतारी, यानी कि गरिमा को, जो एक संवैधानिक पद है, जिम्मेदारी है, उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। और खुद सभापति ने कहा कि उनके बड़े नेता, यानी कि साफ तौर पर इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी ने भी उस तरह की हरकत की जो जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, जिसको किसी भी हालत में लोकतंत्र की मर्यादा के सापेक्ष नहीं बताया जा सकता है। तो इस तरह की बात भी सभापति ने की, यानी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की। जी, तो यतेंद्र ये बता रहे हैं कि कल जैसे हालात ही आज भी आपको दिखाई देंगे। पहले सदन से बाहर निकाला तो बाहर गैलरी में बैठकर के प्रदर्शन, मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन, और अब वहां से भी बाहर निकाला गया। तो यतेंद्र ये कह रहे हैं कि अब आपको पूरे परिसर के बाहर आज इस तरह का विरोध प्रदर्शन फिर से दिखाई दे सकता है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच ये बहुत बड़ी खबर। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में जो होगी उसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करने वाली है। सोनिया गांधी बैठक के दौरान कांग्रेस सांसदों को संबोधित करती भी दिखाई देंगी। संसद की आज की कार्यवाही के पहले होने वाली यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। सांसदों के निलंबन के साथ ही इस मामले में कांग्रेस की आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और कैसे सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी, मेरे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं आपको, News18 India के अरुण दिखाई दे रहे हैं। अरुण, इस बैठक को लेकर के क्या अपडेट है, एजेंडा बैठक का बताइए। देखिए, संसद सत्र के दौरान एक या दो बार संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो सब इकट्ठा होंगे, और पहले जो सेंट्रल हॉल था, अब इसको संविधान हॉल कहते हैं, उसमें ये बैठक होती है। चूंकि सोनिया गांधी संसदीय दल की अध्यक्ष हैं इसलिए वो संबोधित करती हैं और वही इसको प्रेसाइड भी करती हैं। तो कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें कुछ फैसले लिए गए, और कल ही कांग्रेस ने गठबंधन के लिए अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद की एक कमेटी बनाई है। तो आज संसद के अंदर जो निलंबन हुआ है कांग्रेस के सांसदों का, उसको लेकर के सोनिया गांधी का क्या रुख रहने वाला है और आगे की रणनीति पार्टी की क्या होने वाली है और गठबंधन को लेकर के आगे कैसे पार्टी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब कुछ महीने दूर हैं, कुछ चंद दिन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव की जो है वो बिगुल बच जाएगा। तो उन सब को लेकर के पार्टी की रणनीति क्या होगी, सोनिया गांधी का संबोधन होगा और उससे बातें निकल के सामने जरूर आएंगी। पार्टी की रणनीति क्या होगी और इमेज को भी तो कल धक्का लगा है ना कांग्रेस की, राहुल गांधी को लेकर भी अब सवाल उठा रहे हैं लोग, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, वो इमेज को जो धक्का लगा है उसे कैसे सुधारना है, चर्चा उस पर भी होगी। बड़ी खबर आपको बताया, दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक बेनतीजा रही है। विपक्षी गठबंधन की बैठक, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात आगे बढ़ पाई, ना ही प्रधानमंत्री पद पर कोई सहमति बन सकी। और आपको बताया, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि गठबंधन करना है तो 1 जनवरी के पहले सीट शेयरिंग का खाका तैयार कर लो। कुछ ही दिन बाकी बचे रह गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ने को तैयार है। कई दलों ने कांग्रेस से 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन की आलोचना भी की है। तो अब जो पूरी गेंद है वो कांग्रेस के ही पाले में है। News18 India के अरुण लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बड़ा मुश्किल है अब कांग्रेस के लिए ये इंडी गठबंधन को बचाए रखना। देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, क्योंकि सबसे बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा और तभी जाके ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे। अखिलेश यादव भी पहले अटैक करते रहे, उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए अटैक किया, ममता बनर्जी लगातार कहती रही, डेडलाइन देती रही है। तो जो क्षेत्रीय दल है वो शांत इस बात के लिए बैठे थे कि अगर इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता तब तो वो दब के बात करते, लेकिन चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं था तो अब वो पूरे खुल के अपनी बातें कह रहे हैं। और ये पूरी जो रसाकसी है, जो आजमाइश है, वो सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर, क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते हैं और इसीलिए ये दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाया जा रहा है। कांग्रेस कैसे इस दबाव से निपटेगी, यही उसके रणनीतिक कौशल और उसके जो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल मैनेजर हैं, उनकी क्षमता को दिखाएं। अरुण आप कह रहे हैं बड़ा दिल भी तो उन्हें दिखाना होगा, लेकिन बड़ा प्रदर्शन तो उनका किसी राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए इंडी गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर क्या कुछ कहा गया है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, आपको वो भी सुना देते हैं। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं? नहीं अभी सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई है, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे।